हेलो कक्षा साथ, आज हम व्याकरण भाग का पाठ 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक इस प्रकार से शब्द भंडार, मतलब शब्दों का भंडार या संग्रह। जब हम भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है या ध्वनि कहलाती है, लेकिन अर्थ के आधार पर शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण मतलब जब हम बोलते हैं उस आधार पर ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं या अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। तो आज हम शब्द भंडार को पढ़ने जा रहे हैं और इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुतिस भिन्नार्थक शब्द, एकाकृति शब्द, ये सब शब्दों को हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अपना भाव या अपने विचार को प्रकट करना चाहते हैं, उस समय सही समय पर उचित शब्द का उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। तो इस प्रकार हमें अर्थ के आधार पर शब्दों का शब्दों को बांटा गया है और वो इस प्रकार से है। पहला है एकार्थी शब्द, फिर है अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द एंड श्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो हम पहले बात करेंगे एकार्थिक शब्द। एकार्थिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो केवल एक ही अर्थ को बताते हो। एकार्थिक शब्द का मतलब होता है एक शब्द जो एक ही अर्थ को बताता हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जल, 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 जब हम जल को बोलते हैं तो उसमें साफ है कि जल किसके बारे में, पानी के बारे में बता रहा है। सूर्य, सूर्य जो हमें प्रकाश देता है उसके बारे में बता रहा है। नदी, जहाँ से पानी का स्रोत निकलता है उसके बारे में बताता है। तो ये सारे, ये जो मैंने तीन शब्द यहाँ पे लिखे हैं, ये केवल, ये सिर्फ एक शब्द को का, एक अर्थ का मीनिंग को दे रहे हैं। ऐसे शब्द जो एक अर्थ को रखने वाले हों उसको हम क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। साथ ही हमारे पास जो अगला है, अगला जो भाग है शब्द का अर्थ के आधार पर, वह है एकार्थी शब्द। अब एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एक से अधिक अर्थ को रखने वाले शब्द। अब कुछ ऐसे शब्द हैं हिंदी भाषा में जो एक शब्द, जो बहुत सारे अर्थ को रखते हैं, एक शब्द बहुत सारे अर्थ को रखता है। उदाहरण के लिए कनक, कनक एक एक शब्द है और इसका जो अर्थ है वो बहुत सारे है। इसका अर्थ एक हो सकता है गेहूं, सोना, देन धुतरा, सॉरी धतुरा, ठीक है। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश और साथ में उसका अर्थ होता है अस्त, वस्त्र। फिर है पत्र, उसका पत्ता, या फिर खेत, या फिर चिट्ठी। तो एकार्थी शब्द मतलब जो एक अर्थ को रखने वाले, ऐसे शब्द जो एक ही अर्थ को रखते हैं। अनेकार्थी शब्द जो एक से अधिक शब्दों को रखते हैं। तो अगर हमें एकार्थी शब्द को इस्तेमाल करना है अपनी भाषा में, अपने उच्चारण में, तो उसके लिए हमें इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमारे पास, हमारे व्याकरण में शब्द भंडार नामक ये पाठ है। जैसे कि अंबर यहाँ पे है, उसका मतलब है आकाश या फिर वस्त्र। अब मुझे आकाश के बारे में बताना है, मैंने अंबर को देखा या मैंने ऊपर अंबर को देखा, उसका मतलब हुआ मैंने आकाश को देखा। दूसरा, अगर मैं आपके सामने एक वाक्य रखूं, उसका अंबर बहुत गंदा है, तो वहां पे जाहिर है वहां पे बात किसकी हो रही है? वस्त्र की हो रही है। वहां पे बात आकाश की नहीं हो रही है कि उसका आकाश बहुत गंदा है, नहीं, उसका वस्त्र बहुत ही गंदा है। कनक, इस बार कनक बहुत कम रहा है, गेहूं की बात हो रही है। आपको पता है उसे वहां बहुत सारा कनक खोद के मिला, सोने की बात हो रही है। तो हमें हिंदी भाषा का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें शब्दों का अर्थ जानना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम उचित समय पर उचित शब्द और उचित शब्द का अर्थ का इस्तेमाल करके अपने विचारों और अपने भावों को रख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ओके, अभी हम बात करने जा रहे हैं जो तीसरा है, समानार्थी, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं?
बहुत सारे शब्द जब एक ही अर्थ को रखते हो उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समान अर्थ को रखने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र, समुद्र सागर, सिंधु सागर, जलधि निर्धि, ये इतने सारे जो शब्द हैं वो किसके बारे में बताते हैं? समुद्र के बारे में बताते हैं। बहुत सारे शब्द जब एक ही अर्थ को बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन इंग्लिश वी कॉल इट सिनोनिमस वर्ड्स। ठीक है, फिर है अमृत। सुधा का मतलब भी अमृत हुआ, सोम का मतलब भी अमृत है, अमीय का मतलब भी अमृत है, पीयूष का मतलब भी अमृत है। तो अमृत देख सकते हैं आप, बहुत सारे शब्द जो किसके बारे में, इतने सारे शब्द हैं जो कि अर्थ को क्या रख रहे हैं? अमृत। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जो कि समान अर्थ को बताते हो। राजा, नरेश राजा, नर्प राजा, भूप नाजा, भूपति नाप ना राजा, मोहिप सॉरी महीप ऑल्सो राजा। तो इतने सारे शब्द क्या किसके लिए बने हैं? एक राजा शब्द के लिए। राजा आप लोग समझते हैं, राजा जो गद्दी पे बैठता है, ठीक है, जो प्रजा को संभालता है, उसके लिए इतने सारे शब्दों का उपयोग होता है। तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं विलोम शब्द की, विपरीतार्थक शब्द। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? जिनका अर्थ परस्पर विपरीत हो, या जिनका अर्थ आपस में क्या है, अलग हो, या एक दूसरे के खिलाफ हो। जैसे कि उचित का विलोम शब्द है अनुचित। उचित अनुचित, उचित मतलब जो सही है, अनुचित मतलब जो सही नहीं है। फिर एक गुण, गुण का अपोजिट या गुण का विपरीत शब्द है दोष। प्रकाश का विपरीत शब्द है अंधकार। पाप का है पुण्य, धर्म का है अधर्म, स्वर्ग का है नरक। तो विलोम शब्द सरल भाषा में वो शब्द हैं जिनका अर्थ परस्पर में क्या हो, विपरीत हो, या इन इंग्लिश वी कॉल इट अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट में हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। तो हमने कहा, हमने पढ़ा एकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, पर्यायवाची शब्द, और अभी हमने देखा है विलोम शब्द। अब हम लास्ट देखने जा रहे हैं श्रुति स्नात्मक शब्द। ओके, अभी हम देखने जा रहे हैं श्रुति भिन्नार्थक या फिर समोच्चरित शब्द। इसका अर्थ हुआ या इसका मतलब ये हुआ, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण बहुत कुछ समान होता है परंतु अर्थ अलग या भिन्न होता है। कुछ ऐसे शब्द जिनको उच्चारण करने से या फिर जिनको बोलने से, जिनको पढ़ने से, वो पढ़ने में एक समान लगते हो, दो शब्द एक समान पढ़ने में या सुनने में एक समान दिखते हो या सुनाई देते हो, लेकिन उनका अर्थ जो है अलग होता है। उदाहरण के लिए अनल अनिल, काफ़ी हद तक क्या है, ये दो शब्द के आपस में मिलते हैं जुलते हैं जब हम इनका उच्चारण या जब हम इनको पढ़ते हैं या बोलते हैं। अनल अनिल सिर्फ एक मात्रा का फर्क है, ठीक है, लेकिन इनका जो अर्थ है बहुत ही अलग है। अनल का मतलब होता है आग, अनिल का मतलब होता है हवा। उसी प्रकार आकर, आकार एक आ के डंडे का फर्क है, बहुत ही आपस में मिलते जुलते हैं या समान है, एक समान उच्चारण करते एक समान है, लेकिन इनका जो अर्थ है वो अलग है। आकर का मतलब होता है भंडार या अर्थ होता है भंडार, आकार का होता है आकृति। तो ऐसे शब्द जो पढ़ने में या उच्चारण करने में एक समान सुनाई देते हो या एक समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है, उस उन प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? श्रुति भिन्नार्थक या फिर समोच्चरित शब्द हम कहते हैं। तो इस प्रकार जब हम शब्दों अर्थ के आधार पर जब हम शब्दों को विभाजित करते हैं या शब्दों को जब हम वर्णित करते हैं या उन्हें बांटते हैं तो हमारे पास है एकार्थिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द और फिर श्रुति भिन्नार्थक शब्द।
तो हमें जब भी हम अगर हमें अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने भाव को सही रीति से अगर दूसरे व्यक्ति को सुनाना है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो हमें हिंदी भाषा में इन शब्दों का उपयोग, इन शब्दों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ और भी शब्द हैं, और भी प्रकार के शब्द हैं, जैसे कि समूहवाची शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, और फिर विभिन्न प्राणियों की आवाज़ें, कतिपय ध्वनियाँ, शब्द युग्म, ये शब्द, ये बाकी जो हम हैं दूसरे वीडियो के दूसरे, इस पाठ के दूसरे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं। तब तक के लिए आप इन शब्दों को पढ़िए, बहुत सारे शब्द हैं आपकी किताब में, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, श्रुतिम विनार्थक शब्द, इन सब शब्दों को आप याद करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।